एक्सरसाइज 1.3 इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि रूट फाइव क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए उसे हम परिमेय मान के लगाते हैं। तो माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, बटे ए बटा बी, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका एस या पे यानी कि मासा कितना होना चाहिए, एक। और इसका मतलब होता है कि दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी। जैसे कि मान लो ये दो से कट रहा है तो दो से नहीं कटेगा, ये तीन से कट रहा है तो ये भी तीन से नहीं कटेगा। ठीक, अब इसको लगाने के लिए रूट है तो इसे रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अगर वर्ग करते हैं तो कांडी इधर से हट जाएगा, पांच कटेगा और इधर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको इधर कर देंगे तो फाइव बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब पांच को उधर कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा पांच। अब देखो इधर बराबर का चिन्ह लिखा है, इधर बटे में, तो यानी कोई चीज बटे में है तो इसको क्या कर देता है, काट देता है, विभाजित कर देता है। तो इसी को हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर पांच से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अगर कोई संख्या विभाज्य रहता है किसी संख्या से तो उसका वर्गमूल भी विभाज्य होता है उस संख्या से। तो बोलेंगे ए बी पांच से विभाज्य होगा। विभाज्य का मतलब होता है कट जाना। अब ए पांच से कट जा रहा है तो हम बोलेंगे कि ए बराबर ए को हम पांच से भाग कर दे रहे हैं। कितनी बार में कटेगा ये नहीं पता, क्योंकि अगर दस होता तो बोल देते दो बार में, 15 होता तो तीन बार में, लेकिन ये हमें अज्ञात संख्या तो हम बोलेंगे ये कट रहा है लेकिन कितनी बार में नहीं पता, तो उसका नाम दे देंगे सी। अब ए का मान मिल गया, ए का मान समीकरण एक में रख देंगे तो बोलेंगे ए का मान समीकरण एक में रखने पर, अगर एक में रख दे तो हमारा हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर बराबर, ए का मान रखना फाइव सी का स्क्वायर, तो हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर बराबर पाँच का स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। अब 25 को इधर भेज देंगे तो फाइव बी स्क्वायर इधर गुणा कर रहा था तो इधर भाग करेगा बराबर सी स्क्वायर। अब इधर काट देंगे, पाँच एकदम पाँच, पाँच पचे 25, तो बचेगा बी स्क्वायर बटा पाँच बराबर सी स्क्वायर। अब इधर देखो, ये देखो इधर भी बटे में है तो इसका मतलब पाँच इसको भी काट देगा। तो लिखेंगे बी स्क्वायर पाँच से विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर पांच से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी विभाज्य होता है, अतः बी भी पांच से विभाज्य होगा। अब शुरू में हम मान के चले थे कि ए और बी किसी से नहीं कटेंगे किसी संख्या से, लेकिन हम सिद्ध कर चुके कि ए भी पांच से कट रहा है और बी भी पांच से कट रहा है, यानी कि जैसा हम माने थे उसका विपरीत हो गया, यानी कि उल्टा। हम माने थे परिमेय तो हम क्या बोल देंगे, अपरिमेय, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, कल्पना गलत हो रहा है। तो इसी को हम लिखेंगे कि आता है विरोधाभास होता है। क्या होता है? विरोधाभास। विरोध माने उल्टा, विरोधाभास होता है। अतः रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग सीख चुके हैं कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं, उसे परिमेय मान के। तो इसे भी कैसे सिद्ध करेंगे, परिमेय मान के। तो माना 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम कैसे लिख सकते हैं, बटे में। तो लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर ए बटा बी। तो फिर बोल देंगे जहां ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह
सहभाज्य संख्या का मतलब जिसका मास कितना हो एक, यानी कि ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, जैसे तीन से कटना है तो ये तीन से नहीं कटेगा। तो अब लगाते हैं इसे, तो तीन को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 2√5 बराबर ए बटा बी। ये देखो तीन इधर जुड़ने का काम कर रहा है तो उधर घट जाएगा। अब दो को उधर भेज देंगे तो √5 बराबर ए बटा बी माइनस 3। ये देखो इधर गुणा का काम कर रहा है तो इधर भाग का काम करेगा। अब देखो इधर ए बी दो तीन ये सब क्या है, पूर्णांक है, तो अगर पूर्णांक है तो इधर क्या बन गया, परिमेय संख्या, और इधर क्या है अपरिमेय संख्या। तो अगर इधर परिमेय है और इधर अपरिमेय तो इक्वेशन बराबर होगा, नहीं गलत है, क्योंकि परिमेय है तो इधर भी क्या आना चाहिए, परिमेय तभी बराबर होगा, लेकिन इधर परिमेय आ रहा है इधर अपरिमेय आ रहा है, यानी कि इक्वेशन गलत हो गया, तो जो हम मान के चले थे वो क्या हो गया गलत। तो इसी को लिख देते हैं कि ए बी दो और तीन ये सभी क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो यानी कि 1/2 ए बटा बी माइनस 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगाया, तो इसलिए बोल देंगे कर्णी में पाई 5 को भी परिमेय संख्या संख्या होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं, कि √5 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अभी यह परिमेय परिमेय तो हमारा माना हुआ क्या हो गया गलत, तो इसी को लिख देंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में, जिसमें कि यह सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, इन तीनों को भी हमें कैसा सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का तरीका हम लोग जान चुके हैं कि कैसे लगाते हैं, उसे कैसे मान लेते हैं अपरिमेय संख्या, फिर बटे में लिख देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो लगाते हैं पहले सवाल को, तो पहले सवाल को इसे लगाने के लिए लिखेंगे, माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम कैसे लिख देते हैं, बटे में, और बटे में लिखने के बाद ए और बी कैसी संख्या है, ए और बी जहां लिखेंगे, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब वही थे कि ए और बी का एलसीएम कितना हो एक, मतलब अगर एक किसी संख्या से कटा तो संख्या से भी नहीं कटेगा। तो अब इसे कर्णी हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग के लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं तो रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा a² / b². अगर दोनों तरफ बटे हो और बीच में कौन सा चिन्ह हो, बराबर का, तो हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा। तो यहाँ भी कर सकते, क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो कर देते हैं तो b² = 2a². अब 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा b² / 2 = a². अब देखते हैं इधर बराबर का चिन्ह लगा, इधर बटे में 2 है, तो अगर कोई चीज बटे में है तो इसको क्या करता है, भाग करता है, काटता है, तो हम इसी को लिख देंगे कि b² 2 से क्या है, विभाज्य। तो लिख देते हैं कि b² 2 से विभाज्य है, अगर 2 से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी 2 से विभाज्य होगा। कोई संख्या अगर किसी संख्या का वर्ग विभाज्य किसी संख्या का, तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से क्या होता है, विभाज्य, तो भी 2 से विभाज्य होगा। अगर बी 2 से विभाज्य है मतलब कट जा रहा है, विभाज्य मतलब कट जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं बी 2 से कट जा रहा है, लेकिन कितनी बार ये नहीं पता, 10 होता तो बोल देते 5 बार, 8 होता तो 4 बार, लेकिन ये अभ्यास संख्या है इसलिए बोल देंगे नहीं पता, यानी एक संख्या देंगे सी, सी का मान कुछ भी हो सकता है, तो बी का मान मिल गया, बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो बोलेंगे कि बी का मान समीकरण
एक में रखने पर, तो एक में रखते हैं, एक में क्या है बी स्क्वायर, बी माने इसका स्क्वायर टू सी का स्क्वायर बराबर कितना है टू ए स्क्वायर है, टू ए स्क्वायर। अब इन दो का स्क्वायर चार और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर। अब चार को घर भेज देंगे तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर बाई फोर, काट देंगे दो कम दो तो दूना चार, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ भी बटे में दो आ गया तो इसे भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर दो से विभाज्य है, ए स्क्वायर दो से विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर दो से विभाज्य है तो आता है तो या तो लिख दें ए भी दो से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर देखो हम शुरू में मान के चले थे कि ए और बी ऐसी संख्या है जो किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं कि बी भी दो से कट रहा है और ए भी दो से कट रहा है, यानी कि हम जैसा मान रहे थे वैसा क्या हो गया गलत हो गया, तो मान के परिमेय है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो इसी को लिख देंगे कि अतः हमें विरोधाभास होता है, क्या विरोधाभास माने उल्टा, जैसा माने थे वैसा नहीं हो रहा था, हमें विरोधाभास होता है। इसलिए कितना है वन अपान रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। चलो हम लोग आ जाते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर जिसमें लिखा सेवन रूट फाइव। जैसे बी ऐसे लिखेंगे माना सेवन रूट फाइव एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम कैसे लिखेंगे बटे के रूप में, तो लिख देंगे सेवन रूट फाइव बराबर ए बटा बी, और ए और बी क्या है जहां ए और बी ऐसी संख्या है सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सह अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब कि इन दोनों का एलसीएम कितना है एक, किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो अब से उनको घर भेज देंगे तो रूट फाइव बराबर ए बटा बी। ये देखो इधर गुणा का काम कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग का काम करेगा। अब इधर देखो ए बी सेवन ये सब क्या है पूर्णांक, तो अगर सभी संख्या पूर्णांक हो तो इसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या। तो इधर क्या आ गया परिमेय संख्या और इधर लगा है बराबर का चिन्ह, मतलब बराबर का होगा जब इधर परिमेय है और इधर भी परिमेय हो, यानी परिमेय तो इसी कैसा होना चाहिए परिमेय, लेकिन ये क्या है अपरिमेय, तो यानी कि हमारा इक्वेशन क्या हो गया गलत, यानी कि हम माने तो क्या हो गया गलत, हम माने थे परिमेय है तो यानी गलत हो गया, क्या हो गया परिमेय। तो इसी को लिखेंगे कि ए बी और सेवन पूर्णांक है, पूर्णांक है इसलिए ए बटा सेवन बी को, इसलिए ए बटा सेवन बी क्या है सेवन परिमेय संख्या, कैसी संख्या परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो इसको भी क्या होना चाहिए परिमेय संख्या, इसलिए रूट फाइव को परिमेय संख्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या है इसे परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं परंतु हम जानते हैं कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है और ये परिमेय है तो उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन गलत, तो हमारा जो संख्या आता है रूट फाइव क्या हो जाएगा गलत, यानी परिमेय माने तो क्या लिख देंगे अपरिमेय आता है सेवन रूट फाइव एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। चलो आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर जिसमें लिखा है सिक्स प्लस रूट टू, तो इसमें भी वही सब प्रोसेस करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में सब करते आए हैं। तो इसे भी लिखेंगे माना सिक्स प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे
बटे में, बटे माने ए बटा बी या बी बटा क्यू, कोई भी संख्या देख सकते हैं, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सह अभाज्य संख्या है ठीक, तो इसका मतलब ए और बी किसी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, मतलब एस सी एफ कितना है ए। तो इसे क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो रूट टू बराबर ए बटा बी माइनस सिक्स। अब देखो यहाँ भी यही कंडीशन हो गया, ए बी और सिक्स क्या है पूर्णांक, इधर बन गया परिमेय संख्या, तो अगर इधर परिमेय और बराबर का चिन्ह लगा तो इसका मतलब इधर भी क्या होना चाहिए परिमेय, लेकिन हम रूट टू को जानते हैं क्या है अपरिमेय, मतलब हमारा इक्वेशन गलत हो गया, इधर परिमेय आ रहा है इधर अपरिमेय, तो इक्वेशन गलत हो गया, यानी जो हम माने थे वो क्या हो गया गलत, तो हम माने थे परिमेय संख्या तो ये गलत हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इसी को लिख देते हैं। तो लिखेंगे ए बी और सिक्स पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, अतः ए बटा बी माइनस सिक्स परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः या इसलिए, इसलिए लिख देते हैं, इसलिए रूट टू भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि रूट टू अपरिमेय संख्या है, तो इधर परिमेय इधर परिमेय यानी गलत हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इसलिए सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है।